वेलकम बैक माई YouTube चैनल रायनास वल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 तरीके की चटनी बना के तैयार की है जो रमज़ान में हमको लगने वाली है। हम इसको बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर लेंगे, जब हमको ज़रूरत हो बस निकालो। रोज़ रोज़ बनाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये तीनों चटनी बना के स्टोर कर ली हूँ। चलिए आपको मैं बता दूँ कि हम कैसे क्या बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमली को भिगा दिया था आधे से एक घंटे के लिए। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसको एक छन्नी से छान रही हूँ। आप इसको अच्छे से छन्नी में से छान लीजिए। सबसे पहले आप इमली को एक घंटा या फिर आप ओवरनाइट के लिए भिगाना चाहे तो भिगा सकते हैं। वैसे 1-1.5 घंटे के लिए आप भिगा देंगे तो अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद उसको उसके बीजे निकाल लीजिए। मैंने जो इमली ली थी उसमें बीजे नहीं थे, फिर तो मैंने उसको मसल के बस ग्राइंडर में डाल लिया और उसका अब चन्नी में डाल के उसका एक स्मूथ पेस्ट निकाल ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पेस्ट था वो मैंने निकाल लिया। अब मैंने कढ़ाई में तेल लिया, उसको गरम करके उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा हींग डाल के उसको चलाऊंगी, जैसे कि जो हमारा ज़ीरा है वो ऑयल में ज़रा से तड़क जाए, बस इतना ही। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पेस्ट इमली का जो हमने निकाल के रखा हुआ था, उसको डाल के उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है गुड़। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ मैं अंदाज से डाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइट साल्ट डाला है, फिर ब्लैक साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और फिर रेड चिली पाउडर डाली हूँ तीखी वाली। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सौंफ का पाउडर डाला हुआ है। अभी सब डाल के इसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है कि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो हमारी चटनी में मिक्स हो जाएं। आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर के जगह आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए। चलाते हुए बीच बीच में चलाते रहिए और इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बन के रेडी हो गई है। आप यहाँ पर आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें खट्टा क्या ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, क्या कम क्या ज़्यादा है। आप वो अगर आपको लगे कि कम है कोई चीज़ तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारी चटनी बनके डन हो चुकी है। उसके बाद हम रेडी करेंगे अपनी ग्रीन चटनी। यहाँ पे मेरे पास है धनिया, मिर्ची और पुदीना। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है प्याली में भरे मिर्चे का अचार, जो लाल वाला भरा मिर्चा होता है वो अचार का मसाला है मेरे पास। आप इसकी जगह अगर आपके पास ये भरे मिर्चे का अचार ना हो तो वैसे तो ये इजीली मार्केट में मिल सकता है, मैंने इसको मार्केट से ही मंगाया है। अगर आपके पास ना हो तो अगर आपके पास करौंदे का अचार हो तो आप वो ले सकते हैं इसके जगह। अगर वो भी ना हो तो आप थोड़ी सी खटाई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मसाला लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या लगेगा। आप अचार की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मसाला लिया है और जो उसका छिलका है उसको निकाल दिया, यानी मिर्ची निकाल दिए, सिर्फ हमको मसाले की ही ज़रूरत है। चलिए आइए हम अपना तैयार कर। हाँ मैंने जार ले लिया है, उसमें हम सब कुछ अपना ऐड कर देंगे। धनिया मिर्ची मैंने कैची से कट करके डाला। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक डालिए, उसके बाद उसको ग्राइंड करके अच्छे से, आप पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद एक कंटेनर में डाल के स्टोर कर लीजिए। अब हम आते हैं अपनी थर्ड चटनी की तरफ। इसमें चीज़ें को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक प्याली के करीब लिया है
गरी गरी जो खोपरा होता है पाउडर, खोपरे का गरी का पाउडर वो लिया हुआ है। उसके बाद मेरे पास है धनिया, पुदीना, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता है, थोड़ी सी इमली है और दो मिर्ची है, दो लहसुन की कली है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। आप मिर्ची की क्वांटिटी, खटाई इमली की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना खट्टा खाना हो, जितना तीखा खाना उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या क्या है, स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखता होगा क्या क्या है उसमें। अब हम इसको सब मिला के हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने डाल दिया जार में अपने खोपरा, उसके बाद हम ये सब चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल लूँगी धनिया, ओ पुदीना, उसके बाद अदरक और मिर्ची, लहसुन और मिर्ची, अदरक सब कुछ ऐड करके इमली, इमली को आप वॉश कर लीजिएगा उसके बाद डालिएगा। आप ये चटनी भी अच्छे से, आपके पास फ्रेश करी लीव हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास ड्राई करी लीव था, मैं उसको वॉश करके उसको डाल रही हूँ। उसके बाद कोरिएंडर यानी धनिया, अब इस सब डाल के आप पानी डाल के अच्छी चटनी आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक ये सब डाल के, पानी डाल के इसको बारीक पेस्ट बना लीजिए चटनी जिसे। ये देखिए, हमारी तीनों तरीके की चटनी बन के तैयार हो चुकी है। ये इमली की चटनी, वो अचार की चटनी और वो खोपरे की चटनी, ये तीनों ही चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ये इमली की चटनी जो मैंने खटाई की अचार वाली चटनी पीसी है, इसको आप भजिया वगैरह के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद ये इमली की चटनी, इसको बारा वगैरह में डाल के खाइए। और ये खोपरे की चटनी, ये इसको भी आप बारा या भजिया से किसी भी चीज़ से खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और यम लगती है। आप इसको फ्रिज में, आप देख रहे हैं मैं कैसे कंटेनर में करके इसको अच्छे से पैक कर दूंगी और इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। मुझे रोज़ जितनी क्वांटिटी में मुझे चटनी लगनी है बस मैं उतना निकालूंगी और वापस मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। इससे हम क्या होता है, हमको रोज़ रोज़ चटनी बनाने की वो नहीं होता, क्योंकि इफ्तार के टाइम थोड़ा टाइम भी कम रहता है। अगर हम पहले से इसको बना के रखे रहते हैं तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ज़्यादा आपको जिस हिसाब से क्वांटिटी लगती है आप उस हिसाब से बना के इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से 1 वीक तक चल सकती है, इमली की चटनी तो और भी चल सकती है। ओके, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।